एक दो नई बातें हैं जो कि इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स से रिलेटेड जो हमारी क्लासिफिकेशन है, वो एक नई बात हम इसमें सीखेंगे। अब इसमें ये बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम सिर्फ उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ना कि उसकी टूलिंग पर जाएंगे, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था और टूलिंग से रिलेटेड, मतलब किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम आगे फर्दर प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, वो हमें अगली प्रेजेंटेशन में पता चल जाएगा। जी, तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डॉगमा से। तो सेंट्रल डॉगमा एज वी नो कि हमारा बेसिकली डीएनए से प्रोटीन तक की सिंथेसिस का जो पाया था, उसे हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल कहते हैं। अब सेंट्रल डॉगमा में हमारा, हमें पता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम हमें उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से आगे प्रोटीन तक हम ट्रांसलेशन कहते हैं। हमारा जो एम्फोसिस है वो इस पॉइंट पर होगा, डीएनए से आरएनए पर की सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करता है, और उस एंजाइम को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। वो आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली डीएनए पर स्पेसिफिक किसी जगह पर जाके बाइंड करता है, और उसके बाद उस जगह को मेल्ट करेगा, और फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि मैसेंजर आरएनए नया सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। अब बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट होती है वो रैंडम नहीं होती, वो किसी अपनी मर्जी से जाके कहीं बाइंड नहीं करता, वो स्पेसिफिक, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डीएनए में स्पेसिफिक जीन्स पाए जाते हैं। उन जीन से पहले एक स्पेसिफिक साइट्स मौजूद होती हैं जहां पर वो जाके अटैच होती है। अगर रैंडम अटैच होगा तो हमारे पास रैंडम प्रोडक्ट बने जो कि हमारे सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, हमें एक प्रिसाइज प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसलिए हर जीन से पहले एक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, और वही सीक्वेंसेस हमारे प्रोमोटर्स होते हैं। अब प्रोमोटर बेसिकली वो लोकेशन है जहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा। अब फॉर एग्जांपल यहां देखें, यहां पर आपको जो येलो स्ट्रक्चर इस डीएनए के थ्रेड में नजर आ रहा है, दैट इज योर प्रोमोटर, और ये जो ब्लू सा आपको बबल सा नजर आ रहा है, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज। मतलब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ अटैच हुआ है। अब यहाँ पर करेगा क्या, अब इसके अटैचमेंट के बाद के प्रोसेसेस हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वन में पढ़े थे कि मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग के बाद जो नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और इससे आरएनए, नया आरएनए सिंथेसाइज हो जाता है, और इसकी डायरेक्शन 5-3 प्राइम होती है। तो a promoter is a sequence of DNA where RNA polymerase attaches, basically जो promoter होता है ये beginning of a gene पे पाया जाता है, और यही responsible होता है कि gene को turn on किया जा सके या turn off किया जा सके। obviously जब promoter होगा तो gene on होगी, और जब off होगा, और कुछ transcription factors भी involve होते हैं जो कि इसमें regulate करते हैं। उसके बाद जी हम comparison पे चले जाते हैं, prokaryotic और eukaryotic प्रोमोटर्स। अब दोनों प्रोमोटर्स जरा डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक जो ऊपर जो आपको नजर आ रहा है प्रोमोटर रीजन, दिस इज बेसिकली ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज ऑफ यूकैरियोट्स। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज अ थ्रेड ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एक बिल्कुल थ्रेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और उस पर कुछ रीजन होते हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। अब बेसिकली जो कोर प्रोमोटर होता है हमारे प्रोकैरियोट्स का, वो होता है -10 box एंड -35 box, हेयर फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस टू दिस, ये -10 से -35 तक जो आपका रीजन है इसे हम कोर प्रोमोटर कहते हैं, एंड दिस साइड फ्रॉम -40 to -60 इज अप एलिमेंट साइड, राइट। तो ये दोनों मिलकर एक्सटेंडेड प्रोमोटर बनाते हैं। बेसिकली आपकी जीन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, ये इस पॉइंट से आपकी जीन स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब इसके अपस्ट्रीम में आप देख सकते हैं, आप जब भी हम 5' साइड की तरफ जाएंगे तो दैट इज अपस्ट्रीम। तो इस जीन के स्टार्ट के अपस्ट्रीम पर जो रीजन होंगे उनको हम माइनस से डिनोट करते हैं, और -10 से -35 तक ये जो रीजन है, -10 वाले को हम प्रोमोटर हमें से -10 box कहते हैं, उसका उसका सीक्वेंस ये है, -35 का सीक्वेंस ये है। तो ये कुछ हमारे फीचर्स थे प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर्स के, और प्रोकैरियोटिक जी और यूकैरियोटिक प्रोमोटर में देखें तो हमारे जी यूकैरियोटिक प्रोमोटर में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली कोर प्रोमोटर के अंदर। पहला जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B रिकॉग्निशन एलिमेंट। आगे हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देखेंगे, वहां पर हम इसका नाम पढ़ लेंगे। एंड सेकंड इज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर हमारी अटैचमेंट काफी प्रिसाइज अटैचमेंट होती है, और ये हाउस कीपिंग जीन में नहीं पाया जाता बिकॉज हाउस कीपिंग जीन्स को काफी ज्यादा एक्सप्रेस होना पड़ता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वाला प्रोमोटर जो था ये हमेशा अपस्ट्रीम पर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, लेकिन यूकैरियोटिक डाउनस्ट्रीम में पाए जाते हैं जीन्स के इनिशिएटर्स हैं, और उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स। ये फॉर एग्जांपल ये देखें प्लस
+28 से +32 है, मतलब जीन के अंदर ये प्रोमोटर रीजन पाया जा रहा है और इसका भी कुछ पार्ट उसके अंदर है और उनके कंसेंसस सीक्वेंस ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं मेरे ख्याल से, टाइम आपके पास कम होगा। नहीं सर मैं कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम बात करते हैं। आपके पास नेक्स्ट 1 मिनट है सर। हमारे पास 7 मिनट नहीं थे, जनरल प्रोसेस जी सर, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक दो टाइप्स हमने देखी थी, इसकी दो टाइप्स होती हैं जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। अब जनरल बेसिकली क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हमने डिफाइन नहीं किया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे आरएनए पॉलीमरेज की ओरिएंटेशन प्रोवाइड करती हैं या जीन की रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। अब जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें ये जो आपको नजर आ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स 2F2B ये अटैच होते हैं इस पॉलीमरेज 2 के साथ और इसको एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं कि तुमने इस पाथ पर चलना है और ये ज्यादातर प्रोमोटर के रीजन में अटैच होते हैं, प्रोमोटर के ऊपर अटैच होते हैं या पॉलीमरेज 2 के ऊपर अटैच होते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये यहाँ से ली गई है। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक बेसिकली जीन रेगुलेट करते हैं, जीन रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपकी जीन रेगुलेशन क्या होती है, जीन को एक्सप्रेस करना या सप्रेस करना। तो इसमें हमारे पास एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स आती हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिवेटर प्रोटीन अगर आपको याद हो ऑपरॉन वाला केस, तो उसमें एक्टिवेटर हमारा अटैच होता है, एक्टिवेटर हमारा आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर देता है, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। रिप्रेसर प्रोमोटर पर आगे अटैच हो जाता है और उसके बाद इसके जो आरएनए पॉलीमरेज अटैचमेंट हो ही नहीं पाती, इसलिए उसकी ट्रांसक्रिप्शन सप्रेस हो जाती है। उसके बाद हम मैंने लिस्ट डाल दी है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, आप देखें। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं और हर आरएनए पॉलीमरेज का अपना ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज की ये है, आरएनए पॉलीमरेज की ये लिस्ट दी गई है, फर्दर उनके फंक्शंस भी आप इसको रीड कर सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 की ये है। प्रोकैरियोटिक में ये दो बेसिक है एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर्स जो कि उसके जीन की रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बस ये एंड है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक प्रोमोटर रीजन होता है। अभी मैं प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट कर दिया आपने, गुड जी सर। नेक्स्ट पेज चले, नेक्स्ट स्लाइड है अभी। नो सर, एंड हो गया। गुड वन, जबरदस्त। Okay. Any question?